सो हे व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही रोमांचक ट्रिक लेके आया हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने जियो फाई या फिर किसी भी डिवाइस या फिर राउटर को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी विदाउट पासवर्ड। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा जियो फाई, तो मैं इसे पावर ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये पावर ऑन हो चुका है। अब मैं अपने मोबाइल को ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए, मोबाइल भी ऑन हो चुका है। तो पहले हम चलते हैं हमारे मोबाइल की सेटिंग में। यहाँ पर देखिए, मैं अपना मोबाइल की सेटिंग में चला जाऊँगा। यहाँ पर मैं चला मोबाइल की सेटिंग में चले जाने के बाद आपको क्लिक करना है वाईफाई पे। रुकिए, मैं ये देखिए वाईफाई पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। वाईफाई के क्लिक करने के बाद ये देखिए, मेरा जियो फाई भी ऑन हो चुका है। थोड़ी सी रेंज प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, ये 3 डॉट मैंने अभी अभी मार्क किया, उधर आपने देखा ही होगा। तो आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर से आपको जाना है एडवांस में। रुकिए गाइस, मैं थोड़ा अपना माइक को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मेरा कैमरा थोड़ा ऑफ हो गया था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और ये देखिए वाईफाई WPS पुश बटन, आपको इस पर टैप करना है एक बार। यहाँ पर देखिए, अब ये प्रोसेस होता है तब तक आपको ये WPS वाला बटन को टैप करना है अबाउट 3 to 5 सेकेंड। तो देखिए, ये कुछ ऐसा हो रहा है। अब ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए WPS सक्सेसड टू कंप्लीट नेटवर्क। तो ये देखिए गाइस, कनेक्टेड टू नेटवर्क आ रहा है। ये देखिए, इतना आसान था ये। तो आप अगर देखना चाहते हो तो ये देखिए, कनेक्टेड टू जियो फाई आ रहा है, जियो फाई 3। ये देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हो मोबाइल के ऊपर वाले नेटवर्क बार में, देखा आपने कितना इजी है। और यहाँ पर भी आपको देख सकते हो, ये देखिए। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और ऐसी अमेजिंग और जानकारी के वीडियो। तो गाइस, थैंक यू और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।